हाय फ्रेंड्स, सोही फ्रॉम द सोही टेक्नोलॉजी। आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे आई स्टडी मोबाइल गिम्बल हिस्ट्री एक्सेस हैंडल स्टेबल गिम्बल फॉर स्मार्टफोन। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, जो किसी भी तरह की कोई वीडियो बनाते हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये गिम्बल। तो यहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिससे गिम्बल कंट्रोल होगा। अगर इसका यूट्यूब ट्यूटोरियल चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करता है, तो यहाँ से पे ले सकते हो आप। तो ये सारे इनके QR कोड हैं, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, जैसे आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम खोलते हैं इस बॉक्स को। तो ये एक केस है जो पैक, सो बॉक्स हम साइड पे रख कर देते हैं। तो ये जो बॉक्स केस है, बहुत ही अच्छा केस है। जैसे आप देख सकते हो कि पूरी के पूरी पैकिंग की तरह बनाया गया है गिम्बल के लिए स्पेशल। तो जिप है यहाँ पे, हम इसे अनजिप करेंगे। ऐसे अनजिप करते तो हमारे पास यहाँ पे है वारंटी कार्ड है कंपनी की तरफ से, कुछ हेल्प एंड सपोर्ट नंबर दिए गए हैं, और ये एक यूज़र मैनुअल है, चाइनीज़ और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो एक USB माइक्रो USB केबल है जो गिम्बल को चार्ज करने के लिए दी गई है, और ये एक छोटा सा स्टैंड है। अगर आपको गिम्बल को स्टे करना है तो ऐसे इसको करके स्क्रू करके इसके ऊपर गिम्बल आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा मेन यूनिट है गिम्बल। मेन यूनिट गिम्बल है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो इसके कंट्रोल्स हैं। ये शूटिंग बटन है जिससे आप वीडियो और स्नैपशॉट ले सकते हो। ये जो है जूम का बटन है, आप कैमरा को जूम कर सकते हो मोबाइल ऐप के अंदर। तो यहाँ पे इसके मोड दिए गए हैं। ये जो छोटा बटन है, इसको आप जितने बार प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करोगे तो PF मोड, दो बार प्रेस करोगे PTF, ऑटो लॉक, और ये सारे मोड ऐसे काम करेंगे। तो इसके राइट साइड में ये LED दिए गए हैं। एक LED 25% बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर फुल है तो ये चारों LED फुल होंगे। तो यहाँ पे साइड में हम देखते हैं, ये एक और दिया गया है। आप यहाँ पे कोई लाइट या कोई माइक्रोफोन स्क्रू कर सकते हो अच्छे से। और ये ट्रिगर पर बटन है जब आप ऑन गोइंग शूटिंग कर रहे हो तब उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है ये माइक्रो USB है। यहाँ पे हम लोग ये वाली केबल लगा के गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं, और इसी केबल से अगर आपका फ़ोन माइक्रो USB को सपोर्ट करता है तो आप USB से अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, गिम्बल को एज ए पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मोटर है एक, और दूसरी मोटर यहाँ पे है, और तीसरी मोटर यहाँ पे है स्टेबलाइजेशन के लिए। और ये जो फ़ोन होल्डर है, इसके अंदर ऑलमोस्ट जो हमारे पास नॉर्मल फ़ोन है, सभी फ़ोन आ जाएंगे बड़े आराम से। और ये जो है, जो स्क्रू ये एडजस्ट करने के लिए दिया गया है कि कैसे इसको, अगर आपको इसको बैलेंस करना है यूज़ करने से पहले, तो आप इसको अनस्क्रू करके इसको आगे पीछे करके हैंडल को इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ऑन करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अनबॉक्स किया गिम्बल को। तो यहाँ पर हमारे पास गिम्बल है, अभी हम इसको फ़ोन के साथ में लगा के बैलेंस करके देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। और ये जो छोटा स्टैंड है, आप अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्क्रू करके बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो इसको। अगर कहीं पे आपको स्टे वीडियो बनाना है, टेबल पे रख के, कहीं पे आप बाहर गए वहाँ पे रख के, तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। तो अभी हम इसे फ़ोन के साथ में बैलेंस करेंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। फ़ोन हमारे पास है, ये P20 प्रो फ़ोन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी। इसके लिए नॉर्मली आप कवर के साथ ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कवर के बिना यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग फ़ोन को यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे ये है हमारे यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो छोटा स्क्रू है यहाँ पे, इस स्क्रू को अनस्क्रू करके थोड़ा सा ढीला करके इसको सेट करना है, और देखना है फ़ोन आपका जैसे ये बैलेंस अभी नहीं है फ़ोन कहीं से भी। तो हमें इसे
अनस्क्रू करेंगे यहाँ से। बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपके जो मोटर है वो कम पावर लेगा और आपका बैटरी ज़रा देर तक चल पाएगा गिम्बल के साथ में। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बैलेंस हो गया। अभी अगर हम इसको यहाँ पे अभी स्विच ऑन करेंगे, आपको ये बटन दबा के रखना है तो थोड़ी देर, तो ये गिम्बल आपका स्विच ऑन हो गया। अभी आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहो फोन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग फ़ोन पे ये जो जॉयस्टिक है इससे फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसे हम लोग चाहें। जॉयस्टिक से इसको लेफ्ट और राइट वैसे ही इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े अच्छे से आप अपनी वीडियो या कुछ भी इस पर शूट करके अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप ब्लूटूथ से फ़ोन के साथ में लिंक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो छोटा सा ब्लूटूथ का आइकन है, आपको ये पावर बटन को ही थोड़ा थोड़ी देर तक दबा के रखना है, तो इससे ये जो इसका ब्लूटूथ बटन ऑन हो जाएगा। तो ये ब्लूटूथ के साथ में लिंक हो गया है, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसका कैमरा ऑन करता हूँ तो आप कैमरे में इसको कैसे भी कैमरे के साथ में यूज़ कर सकते हो। और इसका जो डिफ़ॉल्ट ऐप है